आणि धाडसी गृहमंत्री यांनी मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली 370 कलम हटवलं, जे एक स्वप्न होतं किंवा स्वप्नवत वाटत होतं ते त्यांनी करून दाखवलं आणि अनेक याच्यामध्ये देशभक्तीचा परिचय त्यांनी दिला, त्यांना शेपूट घालणं म्हटणं म्हणजे ही मर्दुमकी नाही, खरं म्हणजे त्यांचा निषेध केला पाहिजे। आणि मी हेही म्हणेन की हे फोटोग्राफर त्यांना शेपटी असलेल्या प्राण्यांचे फोटो काढायला आवडत होते, त्यातून त्यांना हे शेपटीची जास्ती त्यांना प्रेम आणि हे झालेलं आहे। वेळ प्रसंगी शेपूट घालणारे, दिल्लीमध्ये जाणारे, दिल्लीच्या लोटांगण घालणारे आणि जेव्हा नोटीस आली की घाम फुटणारे, हे शेपूट घालणारे कोण आहेत? वेळेला शेपूट घालणारे कोण आहेत? आणि खुर्चीसाठी, सत्तेसाठी, मुख्यमंत्री पदासाठी कोणी शेपूट घातलं? सगळं सोडलं, विचार सोडले बाळासाहेबांचे, त्यामुळे मला वाटतं त्यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे, चर्चा सुरू आहे, योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल। पण शिवसेनेच्या जागांची मागणी राज ठाकरे करतात या सत्य आहे। हिंदी मी काय चालू करतो चर्चा चालू आहे, चर्चा चालू आहे, योग्य वेळी योग्य निर्णय होईल। ते आता समविचारी पक्षाशी या ठिकाणी महायुती मध्ये मोदी साहेबांचे विचार, पक्षाचं काम, सॉरी सरकारचं काम यावर विश्वास ठेवून अनेक लोक सोबत येत आहे। और इसके अलावा जो संजय राऊत का कल का बयान, उसको ये पार्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं और महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटें हैं, इसमें 45 से ज्यादा सीटें हमें महायुति को लानी है और मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करने हैं, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। महाराष्ट्र का उसमें बहुत बड़ा योगदान चाहिए, इसीलिए ये आढ़ावा बैठक आज हमारे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों के लिए हुई है। और इससे निश्चित रूप से जितने 48 सीट्स है उसमें जो जो कैंडिडेट महायुति के होंगे उनको ये हमारे शिवसेना पूरी ताकत से मदद करेगी, सहयोग करेगी और जिताएगी। इसलिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आज की बैठक शिवसेना की थी। राउत के बयान से देखते हैं और ठाकरे की एंट्री को लगातार टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी पर भी टीका कर रहे हैं कि औरंगजेब को भी उनको दिए, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने मणिपुर पर न जाने को तंग कसा। औरंगजेब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को औरंगजेब की उपमा देना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये औरंगजेब ने तो महाराष्ट्र में आकर हमारे तमाम महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई थी और ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर औरंगजेब कहना ये देशद्रोह है, ये देश का अपमान है और इसका बदला ये पूरी देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता आने वाले चुनाव में मतपेटी द्वारा जरूर लेंगे। जो 370 कलम जिन्होंने हटाया, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का राम मंदिर का सपना जिन्होंने पूरा किया, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का